पानी के बोर को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीनों से नहीं हुआ है बिजली का कनेक्शन, डार्क जोन बन रही रुकावट। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। वार्ड वासियों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। शहर के वार्ड नंबर 3 में पिछले 6 महीने से जल विभाग की तरफ से पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए बोर किया हुआ है, लेकिन उसका बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। नाराज वार्डवासियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में जल विभाग की तरफ से कुछ समय पहले ही पानी छोड़ा जाता है, जिससे उन्हें गर्मी के अंदर काफ़ी परेशानी सहन करनी पड़ती है। उनका वार्ड शहर की ऊंचाई से काफ़ी थोड़ा सा ऊंचा है, जिसके कारण घरों तक पानी नहीं पहुँचता। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने पिछले 6 महीने से यहाँ पर बोर तो कर रखा है, लेकिन चालू नहीं किया, जिसके कारण वार्ड वासियों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि जल्द ही बिजली विभाग द्वारा उस बोर को कनेक्शन दिया जाए, जिससे पानी की समस्या खत्म हो सके। वहीं इस बारे में पब्लिक हेल्थ के जेई आशीष कुमार ने बताया कि रानिया क्षेत्र डार्क जोन में होने की वजह से उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस बारे में रानिया के SDO सतीश कुमार ने बताया कि डार्क जोन की वजह से इतने समय से कनेक्शन लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जल विभाग को कनेक्शन दे दिया गया है। जल्द ही इसका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। यानी कि 8-9 महीने हो गए बोर लगे नो, पानी की समस्या है, क्योंकि सानू 3 बार से पानी पूरा नहीं हो रहा जी। इस करके सानू ये जल्दी चालू हो जाए, इससे सानू यानी कि समस्या साड़ी हल हो सकती है। पता नहीं जी, कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा जी। अब कोई मीटर वोटर मिला नहीं और कनेक्शन मिला नहीं, इसलिए कोई थोड़ी जी दिक्कत हो रही है। वार्ड में बहुत घट पानी है जी, पूरा नहीं हो रहा। जैसे 2 घंटे पानी मिलता है, वो भी आने आते कुछ भी नहीं मिलता पानी पूरा। कई वार्ड में ज़्यादा दे रखा है, चौक में जो वाटर वर्क्स है या घूम के जाता है पानी, तो इसलिए पानी आता नहीं। इसकी पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। लदुराम रार नंबर 3 से ये जो वाटर वर्क्स लगा हुआ है, ये हमारे जहाँ पे पानी की सप्लाई पानी की यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हम सब पानी से बहुत ज़्यादा यानी परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि ये वाटर वर्क जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और हमारे पानी जो कि हमें खुला मिल सके, हम पशुओं को भी नहला सकें और नहाने धोने के लिए भी खुद प्रबंध हो सके हमारे लिए। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। पानी की आपूर्ति के लिए हर मोहल्ले में हर वार्ड में मोटर कनेक्शन दे रही है, लेकिन वार्ड नंबर 3 में हमने जाकर जब देखा तो वहाँ जो बोर है वो करीबन साल से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। अगर उसका कनेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए तो वार्ड वासियों की जो समस्या पानी की है वो हल हो सकती है, क्योंकि अभी हमने जब वार्ड वासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वार्ड में 1-1.5 घंटा पानी आता है और वो भी किसी के घर नहीं पहुंचता, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है, 2-3 वार्ड में एक ही मोटर लगी हुई है, उसकी वजह से किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचता और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल गर्मी के टाइम में बच्चों को भी पानी चाहिए, पशुओं को भी पानी चाहिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है। तो मैं ये चाहूँगा, सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो वार्ड नंबर 3 का जो वाटर बक्स लगा है उसको जल्दी जल्दी कनेक्शन देकर और उसको शुरू किया जाए।